क्या बात माधुरी जी, मैं 10 रुपए दूंगा आपको, पहचानिए इनमें से रेमो कौन है। क्या ताली का बजा रहे पे है? 1000 रुपए निकाल, 1000 रुपए, चलो 1000 निकालो। 1000 रुपए में तुमको स्वर्ग दिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए। क्या अर्चना जी भी बैठी है? तो साले 700 काट ले, 300 तो दे मेरे को। जज का बहुत प्रॉब्लम है इस शो में माधुरी जी। मेरे डांस को जज करने के लिए परफेक्ट जज आ गया। मैं तो कहता हूँ आप रेमो और करण को भी ले आइए। मेरा करियर परफेक्ट हो जाएगा। रेमो कहता रहता ना, दिस इज इट, दिस इज इट। हमारे शो में भी है, दिस इज इट, दिस इज इट, ईट, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप। खैर माधुरी जी, क्या सफर रहा है आपका हिंदुस्तान से अमेरिका तक, मिसल पाव से मिशेल ओबामा तक। उमा जी, आप सोच रहे मैं इतनी देर से माधुरी जी की बातें किए जा रहा हूँ, आपकी मैंने बात नहीं की। वो क्या है ना, पहले इधर उधर की बातें हो जानी चाहिए, फिर बंदा अपने दिल की बात करता। भाई सोच लीजिए, आपके ऊपर है, मतलब कृष्णा कुरेशी कैसा साउंड करता है, या फिर हुमा शर्मा। हुमा शर्मा मामा, जब लड़की की बात हो मेरा मामा क्यों बीच में आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम है। बात करते हैं अर्चना जी। ओह नो प्लीज। अब आपकी क्या बात करनी है, इनकी बात परमीत जी नहीं करते, हम काय को करें। लेकिन फिर भी अर्चना जी की बात, अर्चना जी शो का दीपक है, जब ये दीपक जलता है तब हम प्रज्वलित होते हैं। आई लव यू अर्चना जी, जोरदार तालियां। जहां पर दीपक की बात आती है फिर माचिस खुद ब खुद आ जाती है। ये हमारे शो की माचिस, इधर की बातें उधर करना, चैनल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू चैनल। बहुत तरक्की की है इन्होंने अपनी लाइफ में, पहले मुश्ताक और रजाक जैसे लोग इनको डेट पे ले जाया करते थे, लेकिन आज किस्मत देखिए, अरबाज खान जैसे लोगों से ये ना सुन रही है। कुछ नहीं होने वाला तेरा। माधुरी जी, आपने एक और चीज सुनी होगी कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। इस बात को बहुत लोग नहीं मानते अरबाज भाई के अलावा। ये इतने सीरियस रहते हैं, मैं क्या बताऊं कि हमारा करियर आईसीयू में चला गया है। बोल बच्चन करने के बाद भी अभी किसी डायरेक्टर के पास जाता हूं तो कहता है आई विल सी यू, आई विल सी यू। खैर माधुरी जी, आपने शादी कर ली। मैं इतना लेट डॉक्टर बनाऊं क्या बताऊं मैं आपको। एक्चुअली मैं हूं डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर है। बड़े बड़े लोगों का ऑपरेशन किया मैंने। श्रुति भी मेरे पास आई थी, कहने लगी मेरी टांगों में प्रॉब्लम है। मैंने कहा अपनी टांगे दिखाओ। कहती अगर आपने मेरी टांगे देख ली तो आपको हंसी आ जाएगी। मैंने कहा अगर हंसी आ गई तो तेरी आधी फीस माफ। मैंने इसकी टांगे देखी अर्चना जी, माचिस की तिल्ली जैसी पतली पतली टांगे देखकर सच में मेरी हंसी निकल गई। लेकिन मैंने कहा भैया तेरे को बता प्रॉब्लम क्या है, यदि प्रॉब्लम बताऊंगी तो और जोर से हंसी आएगी। मैंने कहा और जोर से हंसी आई तो पूरी फीस माफ, तेरी प्रॉब्लम क्या। कहती मेरी टांगे सूजी हुई है। इसको नंबर भी दे दो, एक्ट खत्म हो गया। इसको तो पता ही नहीं बंदा पीछे खड़ा है, उसने भी कुछ बोलना है, अकेले लगा हुआ है, मैं समझता नहीं। पहले बेल बजा के आया कर अंदर। सॉरी मैं भूल गया। बेल बजानी चाहिए। आगे आगे। हाँ बताओ क्या काम है, किससे मिलना है? सर वो डॉक्टर डॉली मुखर्जी। मैं हूँ डॉली मुखर्जी। आप हो? हाँ डॉली 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 डॉली। खाली जब छोटा छोटा स्कर्ट पहन लूं तो मैं डॉली मुखर्जी लगता हूँ, वो पैंट में ना फिर मुखर्जी छुप जाती है ना तो प्रॉब्लम होती है। खैर ये सब बातें छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना थोड़ा धुंधला दिखता है। अच्छा अभी मैं अंदर आया तो मैंने सोचा अर्चना जी बैठी होंगी। वो हुमा कुरैशी जी लग रही है मेरे को। अर्चना जी वो हुमा कुरैशी ही है। तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, अभी थोड़ी देर में बोलेगा उनके साथ माधुरी दीक्षित जी बैठे, मैं मान जाऊंगा बेवकूफ बना रहा। सारे गौर से देख, माधुरी जी भी बैठी है। मेरा दिल प्रॉब्लम सर ये है, छोड़ो अब बाकी बातें, बीमारियां बाद में। माधुरी दीक्षित जी छोटी सी शादी हो सकती है मेरी? नॉट पॉसिबल। हुमा जी से करवा दो। नॉट पॉसिबल। अर्चना जी से कर ले। नॉट पॉसिबल। 7 जन्मों तक नॉट पॉसिबल। मर जाऊंगा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे। क्या बच्चों की तरह रो रहा है तू? हाँ याद आया बच्चों से, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए बच्चा पैदा होने वाला, आ जाओ। अच्छा बच्चा पैदा होने वाला है तो डॉक्टर साहब, पहले मेरी याद नहीं आती किसी को। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, मुझे क्या पता कि आप भैंसों के भी शौकीन हैं। मेरी
अबे मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं इंसानों का डॉक्टर हूँ। तो मेरा इलाज कर दो। क्या प्रॉब्लम है? सर मैं तो मरने वाला था। अच्छा, ये तो लाख लाख शुक्र है। अरे सही बात है, भगवान का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बीमारी में तो आ रहा हूँ, लाख बार शुगर हो चुकी मेरे को, तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अरे बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला तेरा। कुछ नहीं होने वाला मेरा, मेरे को जलन यहाँ पे बहुत होती है। तो एक्सरे निकालते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं, एक्सरे है मेरे पास, मैं साथ लेके आया हूँ, आजकल डॉक्टर नकली पता नहीं क्या हो जाए। अबे साले ये फिल्म की रील है। हाँ जी, जय हो फिल्म, मेरी जय हो फिल्म आ रही, सारा काम सलमान खान का, मेरे छोटे छोटे दो तीन सीन रखे थे, इनका रोल काट के मुझे जलन होती है, जलन होती है देख देख के। काट तो देते लेकिन इसमें तो सलमान भाई है ही नहीं। एक मिनट। हाँ। ओहो हो, अरमान की आ गई, खाली है ये। हाँ तो वो भी तो खाली है सर। आप सोचो सर, डॉक्टर साहब थोड़ा सा डांस दिखा दो, मजा आ जाएगा। तू क्या अपने आप को सुपर स्टार माधुरी दीक्षित जी समझता है, जो एक डॉक्टर साहब को नचाएगा तू अपनी उंगलियों पे? अब मेरे को अगर कुछ मारा थप्पड़, ये क्या ईंट रखी है आपने? ईंट मेरे को मारोगे? अगर आपने मेरे को ईंट मारी तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, क्योंकि मेरे को पत्थरी इधर से निकाल के तेरे बात से। अबे पत्थरी है तो बोलना, ऑपरेशन करना पड़ेगा तेरा। ऑपरेशन? हाँ एक मिनट, तेरा पेट एक मिनट फाड़ते। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाय। अच्छा सुन, ये ऑपरेशन का कम से कम नहीं तो लाख रुपया लगेगा। लाख रुपया? अबे क्या कर रहा है? लाख रुपया? हाँ। कितना टाइम लगेगा? दो घंटा। दो घंटे में लाख रुपया कमा लेते हो? तुमसे अच्छा मैं हूँ, मैं 20 मिनट स्टेज पे जाता हूँ, स्टैंड अप करता हूँ, 5 लाख ले रहा हूँ सर मैं अकेला। अरे बकवास बंद कर, ये तो ऐसे खुल्ला का खुल्ला छोड़ दूंगा तेरा पेट में। मेरे को 5 लाख रुपया दे, नहीं तो फिर देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? हेलो पुलिस स्टेशन, एक बंदे ने मेरा पेट फाड़ दिया। अबे सुन, ऐसा मत कर, ये ले 5 लाख रुपया रख ले, रख ले, रख ले। ये साला स्टैंड अप कर रहा था, किसी ने हजार हजार रुपया नहीं दिया, देखो मैं 5 लाख रुपया कमा के जा रहा हूँ, मेरा काम तो बन गया, तेरी औकात क्या? अबे सुन, तेरा काम तो बन गया लेकिन मेरे काम का क्या होगा? तेरा काम मैं बनाता हूँ यार, तू मेरा जोड़ीदार है। दे के आता हूँ मैं। शर्मा यार, टफी ने भी चिट्ठी दी थी ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है माधुरी जी, प्लीज कर दो ठीक। क्या लिखा है? सॉरी कृष्णा, मुझे लहरी ज्यादा पसंद है। आई लव यू सुदेश लहरी। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं